हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सिंपल तरीके में लेकिन बहुत ही मज़े का बटरफ्लाई चिकन बनाने वाले हैं। और वीडियो का आप आखिर तक ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएंगी रेसिपी। और आज हम बटर चिकन के साथ रूह अफ़ज़ा का शरबत भी बनाने वाले हैं, वो भी बहुत आसानी से रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाने वाले हैं। और आज हम पिज़्ज़ा रोल्स बनाने वाले हैं, पिज़्ज़ा चीज़ रोल्स बनाने वाले हैं। तो आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, आपको रेसिपीज़ पसंद आएंगी। और ये सारे रेसिपीज़ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप बहुत कम वक्त में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। 250 ग्राम बोनलेस चिकन लेना है, उसमें 1 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, 1/4 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा तो ज़रूर ऐड करें। और 1/4 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून यानी आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर डाला है, 1 टीस्पून यानी 1 चम्मच टिक्का मसाला डालेंगे, हल्दी डालेंगे थोड़ी सी एकदम। टिक्का मसाला मैंने 2 चम्मच इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि वो 1 टीस्पून है, 1/2 टीस्पून डाला मैंने। 1/4 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे और यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे, कलर इससे बहुत अच्छा आएगा। और आधा नींबू का रस डालेंगे। ये बहुत ही कम मैरिनेशन के अंदर लेकिन बहुत ही मज़े का बटरफ्लाई चिकन बन के तैयार होगा। और इसके नीचे का जो हम आलू लगाएंगे वो भी बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। और यहाँ पर मैंने नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, मैंने 1/2 टीस्पून के करीब नमक डाला है। अगर आपके पास वक्त है तो मैरिनेशन के लिए आधे घंटे के लिए रखें, नहीं तो फौरन ही बनाएंगे तब भी चलेगा। तो इफ्तार के लिए बहुत ही सिंपल डिश लेकिन सबको बहुत पसंद आने वाली चीज़ है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी लिया है, 1 गिलास पानी में मैंने 2 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लावर डाला है। कॉर्नफ्लावर को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से मिक्स किया है, कोई लम्स नहीं है। अब हमने क्या करना है, 2 आलूओं को इस थिकनेस में कट करना है, ज़्यादा पतले भी ना हो और ना ही ज़्यादा मोटे हो। उसे कॉर्नफ्लावर के पानी में डालेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए कॉर्नफ्लावर के पानी में ही रहने देना है। कॉर्नफ्लावर के पानी में डालने से क्या होगा, जब हम आलू को फ्राई करेंगे तो वह अच्छे क्रिस्पी बनेंगे, सौगी सौगी और ऐसे लूज नहीं होंगे, अच्छे से क्रिस्पी और करारे बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने चिकन के मैरिनेशन के अंदर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाला है और 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है। कॉर्नफ्लावर और मैदे को लास्ट में मैंने इसलिए डाला क्योंकि जो हमारे चिकन है वो अच्छे से क्रिस्पी करारे बन के तैयार हो जाए। मैदा और कॉर्नफ्लावर डालने के बाद चिकन को अच्छे से मिक्स करना है इस तरीके से। तो चिकन यहाँ पर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमने क्या करना है, आलू की 1 स्लाइस लेना है और चिकन का 1 पीस लेना है और टूथपिक में इस तरीके से डालना है जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। बहुत आसानी से डल जाता है ये, देखिए इस तरीके से चिकन और आलू को पकड़ के इस तरीके से टूथपिक में डालें। तो ये हमारा बटरफ्लाई चिकन बन के तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम सारे चिकन को पीसेस को डालेंगे और चिकन की क्वांटिटी जो है वो आप अपने फैमिली के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आलू की स्लाइस का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है क्योंकि जब आलू की स्लाइस पतली होंगी तो ये इस पॉइंट पर आलू की स्लाइस टूट जाती है, वो सीधे से नहीं बटरफ्लाई चिकन बन के तैयार होते हैं। और अगर हमने ज़्यादा थिक रखा तो वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे, इसलिए ना ज़्यादा थिक रखें ना ही ज़्यादा थिन रखें। तो यहाँ पर मैंने सारे बटरफ्लाई चिकन बना के इस तरीके से तैयार किए हैं, अब हमने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर चिकन फ्राई करने के लिए सबसे पहले पैन में मैंने इस तरीके से तेल गरम किया है, पहले आप चेक कर ले तेल अच्छे से गरम हो। तेल गरम होने के बाद यहाँ पर मैंने सारे बटरफ्लाई चिकन को तेल में डाला है। अब हमने क्या करना है, पहले ऑयल गरम करने के लिए हाई फ्लेम के ऊपर हम ऑयल गरम करेंगे, उसके बाद हमने गैस का फ्लेम पूरा लो करना है यानी सीम के ऊपर एकदम लो गैस के ऊपर हमने बटरफ्लाई चिकन को फ्राई करना है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं रखना है। गैस का फ्लेम पूरे वक्त में लो ही होगा, बिल्कुल भी हाई नहीं होगा, क्योंकि लो फ्लेम करने से जो हमारे आलू है वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और हमने चिकन जो है वो कच्चा ही लगाया है, पकाया हुआ नहीं है, तो हमने चिकन को भी अच्छे से पकाना है।
जब 5 मिनट 3 से 4 मिनट के लिए एक तरफ सिक जाए, उसके बाद हमने सारे बटरफ्लाई चिकन को पलट दिया। जब चिकन भी अच्छे से पक जाए तब हम वापस से आलूओं को एक और बार फ्राई करेंगे। इस तरीके से देखें, आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। ये क्यों बने हैं? क्योंकि हमने गैस का फ्लेम पूरा लो किया था, तो दोनों तरफ से हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है, लो फ्लेम के ऊपर पकाना है। देखें, यहाँ पर हमारे बटरफ्लाई चिकन बन के रेडी है। अब हम दूसरा बैच भी डालेंगे, और ज़्यादा क्राउड भी नहीं करना है तेल के अंदर, जितने पैन में आ रहे हैं बस उतने ही डालें। पहले की तरह ही लो फ्लेम के ऊपर हमने सारे बटरफ्लाई चिकन हमारे फ्राई किए हैं, देखिए इस तरीके से। और देखने में ये इतने खूबसूरत लग रहे थे, और ये स्पेशली बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। देखिए कितना आलू हमारा क्रिस्पी बना है, बिल्कुल भी ऐसा नरम नहीं हो गया है, बिल्कुल भी सौगी सौगी नहीं हो गया है, और ऑयली भी नहीं बना था। तो देख सकते हैं आप कितना कुरकुरा, कितना क्रिस्पी बना है, और ये पूरे चिप्स का फ्लेवर देगा। और जो हमने चिकन के अंदर टिक्का मसाला डाला है, और चिकन जो है वो टिक्के का फ्लेवर देगा। तो ये जो चिप्स और टिक्के का फ्लेवर है, ये बिल्कुल इतना मज़े का लगता है, तो आपने भी ज़रूर ट्राई करें और हमको कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और यहाँ पर मैंने रूह अफ़ज़ा शरबत की तैयारी शुरू की है, तो यहाँ पर दूध में 2 टेबलस्पून के करीब शक्कर डालना है। मैं शक्कर की क्वांटिटी कम डालूंगी ताकि रूह अफ़ज़ा से ही हमारा जो शरबत है वो अच्छे से मीठा हो जाए। और 1 चम्मच भर के मैंने रूह अफ़ज़ा डाला है। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले, आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं। मुझे ज़्यादा भी मीठा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने क्वांटिटी कम ही डाली है। और यहाँ पर मैंने सब्जी के कुछ बीज मैंने पहले ही भिगो के रखा था, वो भी डालेंगे। और अगर आप चाहें तो इसमें वाटरमेलन भी कट करके डाल सकते हैं, यानी कलिंगड़। तो हमारे घर में सबकी फरमाइश थी कि ये सिंपल ही हमें खाना पीना है, इसलिए मैंने सिंपल ही रखा है। तो देखिए, अब हमने ठंडा होने के लिए इसे फ्रिज में रखना है। सिंपल लेकिन बहुत ही मज़े का लगता है ये शरबत। यहाँ पर पिज़्ज़ा चीज़ रोल्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में 1 टेबलस्पून तेल डाला है। तेल में हमने यहाँ पर बॉईल और श्रेड करा हुआ चिकन डालेंगे। मैंने चिकन को बॉईल करते वक्त नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट का इस्तेमाल किया था, इसलिए अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालेंगे, अच्छे से श्रेड करके डालें। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। इस तरीके से रोल्स बनाकर देखें, बहुत पसंद आएंगे सबको, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। और कुछ डिफरेंट रोल है, स्प्रिंग रोल से थोड़ा सा टेस्ट इसका डिफरेंट है, ये तो बहुत खाने में अच्छे लगते हैं, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो ब्लैक पेपर और रेड चिली फ्लेक्स अच्छे से मिक्स हो गया। उसके बाद हम कुछ वेजेस डालेंगे, जिसमें आधा टमाटर, आधा प्याज और 1/2 कैप्सिकम है, और कॉर्न अपने टेस्ट के हिसाब से ले, आपको जितना पसंद है। तो इन सारी चीज़ों को हमने चिकन में डालना है। और 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा सॉस लिया है। अगर आपको पिज़्ज़ा सॉस का फ्लेवर और ज़्यादा पसंद है तो आप 2 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि हमको जो सब्जियाँ हमने डाली है उसे ज़्यादा नहीं पकाना है, वो क्रंची रहने चाहिए थोड़े से, इसलिए थोड़ा सा मिक्स ही करना है हमें, ज़्यादा पकाना नहीं है। यहाँ पर 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप डालेंगे, और अगर आपके पास ऑर्गेनो है तो वो भी ऐड करें, ऑर्गेनो से भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। टोमेटो केचप डाल के भी अच्छे से मिक्स करना है। तो देखिए अच्छे से मिक्स किया है, अब हम इसके अंदर चीज़ का जो अमूल चीज़ क्यूब आता है वो भी डालेंगे। हम बाद में भी चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए मैंने एक ही क्यूब का इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से ग्रेट करते हुए अच्छे से हमने चीज़ डालना है, और चीज़ को अच्छे से चिकन में मिक्स करेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और चिकन उबालते वक्त मैंने नमक का इस्तेमाल किया था, और जो हमने सॉसेस डाले उसमें भी नमक होता है, तो मुझे चिकन में नमक डालने की ज़रूरत नहीं हो गई। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप ज़रूर डालें। तो यहाँ पर मैंने स्प्रिंग रोल की जो शीट है वो लिया है, शीट के ऊपर चिकन को इस तरीके से रखेंगे। और चिकन को रखने के बाद यहाँ पर मैंने चीज़ शीट का इस्तेमाल किया है, अगर आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चिकन को इस तरीके से रोल करना है, जैसा भी हम नॉर्मली रोल्स बनाते हैं। दूसरी तरफ एक तरफ से पहले फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी तरफ से ही फोल्ड करते हुए हमने मैदे की लही लगानी है और इसके रोल्स बनाने हैं। इसी तरीके से हमने सारे रोल्स तैयार करना है। अब यहाँ पर तेल गरम करेंगे, तेल गरम करने के बाद सारे रोल्स को फ्राई करेंगे। एक साइड के ऊपर गोल्डन कलर आ जाए तो साइड चेंज करेंगे, फिर दूसरी साइड को भी अच्छे से सेक लेंगे। तो
यहाँ पर हमारे रूह अफ़ज़े का शरबत भी अच्छा सा ठंडा हो गया है। यहाँ पर मैंने कुछ पिस्ता कट करके डाला है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। ये ऐसे ही हमें सिंपल पीना था तो हमने सिंपल ही बनाया है, आप चाहे तो इसके अंदर खरबूजा भी कट करके डाल सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। और ऐसे ही सिंपल लेकिन अच्छी अच्छी एकदम टेस्टी एकदम मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए चैनल को विजिट किया करें। बहुत ही मज़े की मैंने इफ्तार की रेसिपीज़ शेयर की हो, उसे भी जाके ज़रूर चेकआउट करें। तो देखिए हमारे रोल्स भी तैयार हैं, तो यहाँ पर हमारे रोल्स भी तैयार है, हमारा शरबत भी तैयार है और जो बटरफ्लाई चिकन है वो भी तैयार है। तो मैं आपको खोलकर बताती हूँ। ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।